हाँ जी, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं एतमान, जी, क्या नाम है आपका? एमडी एहतमाम। एमडी एतमाम, एतमाम आलम। जी, एमडी मतलब आप डॉक्टर एमडी? नहीं, सर, उसमें एमडी का मतलब मोहम्मद बोलता है ना जैसा। यार तो अगर आप मोहम्मद है तो है मोहम्मद, तो एमडी क्यों छुपा रहे हो? आप पूरा बोलो, मोहम्मद एतमाम। जी, मोहम्मद एहतमाम। अच्छा, पहले ये बताएं, आलम, आलम भी नाम है, आलम लास्ट नेम आपका? जी, लास्ट में आलम भी, पास मिनट में तो मोहम्मद एहतमाम किए हैं, मोहम्मद ऐसे एतमाम। भी आलम। जी, ये बताएं एतमाम साहब कि आप कहाँ रह रहे हैं, कौन से शहर में हैं अभी? मैं अभी कुवैत में हूँ सर, अभी आप कुवैत में है, ठीक है। कितने साल से है? 4 इयर्स फिनिश हो गया मेरा। 4 इयर्स हो गया। क्या क्या जॉब कर रहे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ हॉर्स राइडिंग करता हूँ। हॉर्स राइडिंग? जी, ये ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हॉर्स राइडिंग क्या जॉब, क्या आपकी हॉर्स राइडिंग की जॉब है आपकी? क्या करते हैं हॉर्स राइडिंग में? जी, घोड़ा घोड़ा मालूम है सर। हमें पता है घोड़ा, लेकिन आप क्या जॉब करते हैं? तनख्वाह कैसे मिलती है? घोड़े पे बैठने की तनख्वाह मिलती है? जी, वही बैठने की मिलती है। यार ये जॉब तो बड़ी अच्छी, मतलब समझ नहीं कौन है, कौन है आपके मालिक वाला, कैसे, क्या जॉब है, थोड़ा समझाएंगे जरा जॉब प्लीज? जी, मैं यहाँ पे कपिल के द्वारा रहता हूँ। यहाँ पे मेरा यहाँ पे वीजा लगा हुआ है, एक मालिक के थ्रू। या आई अंडरस्टैंड, पर जॉब आपको, नौकरी, नौकरी क्या है, तनख्वाह किस बात की मिलती है? सिर्फ घोड़े की, घुड़सवारी करने की? नहीं, घोड़ी सवारी, उसके बाद ये भी काम करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है उसको, देखभाल भी करना पड़ता अच्छा है, अच्छा 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 करना अच्छा भी तो मतलब पड़ता है। कि घोड़े की देखभाल के लिए मिलता है, आप कह रहे हो सिर्फ घुड़सवारी, सिर्फ आप घोड़े को सवारी करने की जॉब? अच्छा, नहीं, उसमें उसकी नहीं, बैठना उसकी भी देख, पड़ता है यहाँ पे। वो आई एम श्योर इट इज सो, उसकी देखने की, वो देखभाल करने के लिए मिलती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सैलरी कितनी है पर मंथ? जी, यहाँ पे है सर 40,000 फोर्टी इंडिया थाउजेंड का। 40,000 इंडियन रुपीज, जी ठीक जी है। तो बचत हो जाती है कुछ? जी उसमें उसी में बचत है सर, खाना पीना मालिक का है। अच्छा, और घर पे कौन कौन है, शादीशुदा हूँ, बच्चे? कितनी नहीं, सर, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, उम्र सिंगल है, हूँ सर। कितनी उम्र है? 24, 24, अभी तो छोटी उम्र है। कहाँ के रहने वाले, इंडिया में? इंडिया, बिहार से हूँ सर, बिहार में कौन सी जगह? बिहार किशनगंज से। किशनगंज। जी बिहार के लोग तो ज़्यादा आते नहीं है, बाहर जाते नहीं है, आप कैसे निकल रहे? जी मेरा पहला बड़े भैया सऊदी अरब गया था, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं भी जाऊं, तो मैं फिर अच्छा कुवैत भी किया। ठीक है, ठीक है। 4 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, 40,000 आपको तनख्वाह मिल रही है, तो कनाडा में क्या प्लानिंग है? कनाडा क्यों जा रहे भाई? कनाडा में तो आपको घुड़सवारी की जॉब कैसे मिलेगी, ये ऐसी जॉब कैसे मिल जाएगी? नहीं सर, वो जॉब नहीं, मैं तो बोला हूँ कि दूसरे जॉब भी मिल जाएगा, मुश्किल नहीं। हाँ क्या कोई भी जॉब मिल जाए मुश्किल नहीं है? जी जी ठीक है। अभी आपको जो मैं कुछ देखता हूँ, जरा एक सेकंड भाई, या दिस इज व्हाट दिस, आपको ये जॉब जो आपने भेजी है मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी 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 स्क्रीन दिख रहा है क्या, क्या लिखा है, कनाडा बेरेस ये कंपनी है सर, क्या क्या है? आई एम सॉरी, क्या है कनाडा, क्या है बेरेस कंपनी। कैनेडा? बेरेस, वाह जी, वाह क्या बात है। ये एक सेकंड है, थोड़ा सा भाई, इंटरप्राइज। जी थोड़ा सा रुक जाए। ये कैनेडा बेरेस नहीं, हम इसको यहाँ प्रोनाउंस करते हैं कैनेडा बेरीज, बेरीज खाने वाली बेरीज होती हैं जो, कैनेडा जी बेरीज एंटरप्राइज लिमिटेड, इसको हम बेरीज बोलते हैं, चलो बेरेस ही सही। ये जी आपको कैनेडा बेरेस का ये जॉब दिया किसने है, ये कहाँ से आपके पास जॉब आया? जी एक फ्रेंड था सर। फ्रेंड? जी या जी फ्रेंड, ऐसा कैसा फ्रेंड है जो आपको जॉब बैठ के दे रहा? वहीं वहीं पर मिडिल ईस्ट में फ्रेंड है, कनाडा में फ्रेंड है आपका, कहाँ है ये फ्रेंड? नहीं सर, वो कनाडा में रहती है सर, वो लेडीज है, वो मेरा फ्रेंड कनाडा में का। रह, या थोड़ा सा धीरे चलते हैं, कनाडा में रहती है, लेडीज है और आपकी फ्रेंड है, मेरी आप फ्रेंड नहीं है सर, मेरा वो जो मेरा फ्रेंड का वो फ्रेंड है। फ्रेंड का फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड जी कैसे बन गई? इसका, इस लेडीज का नाम क्या है भाई? वो लेडीज का नाम पता नहीं, अंजलि या कुछ ऐसी होगी कुछ नाम। अच्छा, वो इंडियन 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 नाम है, अंजलि। ये जी आपको ये जॉब दे रही है पैकेजिंग हेल्पर की, कैनेडियन डॉलर्स 3,000 महीने की, ये तो जी काफ़ी काफ़ी तनख्वाह है पैकेजिंग हेल्पर की 3,000, और साथ में आपको अकोमोडेशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का,
और हॉस्पिटलाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवरेज काफ़ी कुछ पैकेज में दे रही है और वर्किंग आवर्स 45 आवर्स इन अ वीक, क्या बात है। और नाम लिखा हुआ है मार्क स्मिथ का, तो अंजलि कहाँ है इस पे, जो लड़की है वो कहाँ पर है, इसका मतलब कहीं उसका नामो निशान नहीं है। नहीं, पता नहीं क्या कंफर्म नाम मालूम नहीं है सर मेरे को, लेकिन उसका यार कंफर्म अभी मालूम आप, अभी आप कह रहे थे हमारी दोस्त के दोस्त है, आप नहीं, कह रहे अभी कंफर्म वो नाम अंजलि, नहीं। वो सर वो मेरे को अंजलि बोली है, लेकिन अब जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा पूरा करवाता है काम। अच्छा, ये फ्रेंड कौन है, ये फ्रेंड कोई लॉयर है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, कौन है ये फ्रेंड, कैसे बीच में आ रहे हैं। नहीं, वो लॉयर नहीं है सर, वो जैसा यहाँ पे रहता ना ऐसा ही फ्रेंड मिला था कोई हमको यहीं पे कुवैत में। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, आज से करीब 1 महीने पहले, कि ये जो दोस्ती में जो फ्रेंडशिप का नाम लेकर जो जॉब देते हैं ना, इसमें बड़ा लोचा है, इसमें खतरा है, क्योंकि ये नहीं पता लगता कि ये वो फ्रेंड है फ्रेंडशिप करके नौकरी दे रहा है या कोई लालच करके कोई पैसे इतने के लिए नौ जॉब दे रहा है। वो फ्रेंडशिप कब तक चलेगी, अगर नौकरी नहीं चली तो क्या होगा। बहरहाल ये मार्क स्मिथ का नाम लिखा है, एचआर मैनेजर इंटरनेशनल, आपका कोई इंटरव्यू तो हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, आपको जॉब पहले उन्होंने पकड़ा दिया हाथ में, कुछ भी नहीं हुआ सर कुछ भी नहीं हुआ और ना आगे होना है। ये भाई ये जॉब वाला सब नकली है, मैं देख रहा हूँ जी। ये जॉब, जॉब भी मैंने देख ली, जो आपने कहा कैनेडा द बेरेस एंटरप्राइजेस वो सब देख लिया, ये सब जॉब नकली है, अगस्त 13 की जॉब है। और देखते हैं आपको क्या है, ये LMIA भी भेजा है आपने मेरे को, LMIA जो जिसने भी भेजा है, ये कॉपी पेस्ट करके असली LMIA का कॉपी पेस्ट करके लोगो डाल दिया किसी ने, और ये जो भी कुछ लिखा है ये 100% नकली है। जी एडमंटन का नाम लिखा है, जिस शहर में मैं रहता हूँ एक्चुअली, ये जो ब्रांच है मेरे घर से करीब करीब 4 किलोमीटर दूर है ये, और किसी ने असली उसका कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर वो डाल दिया है, तो दिस इज ऑल नकली। मैं देख रहा हूँ उसमें क्या कलाकारी किया, देखिए ऊपर का एक फॉन्ट अलग है, नीचे का फॉन्ट अलग है, देख देख रहे हैं आप फॉन्ट, जी 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 जो जी फॉन्ट मतलब कि वो जो है उसका जो टाइप टाइप है उसका वो अलग है, और बाकी तो वैसे सब नकली है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फॉन्ट के बेस पे मैंने कहा नकली है, बाकी हर चीज़ ही नकली है। ये तो फॉन्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अंजलि मैडम या जो भी मैडम ने, उन्होंने इतना भी परवाह नहीं करी कम से कम भाई नकल करने के लिए, थोड़ी अकल लगा दें कि फॉन्ट तो सेम कर लेते, तो उन्होंने फॉन्ट में भी उसको छोड़ दिया, कहने देखी जाएगी। और नीचे है, नीचे देखिए बड़ी हंसी वाली बात है, नीचे लिखा है कमाल अतातुर्क फॉरेन वर्कर ऑफिसर। कमाल अतातुर्क तो तुर्की के वो थे, बहुत बड़े रहनुमा थे, बहुत पुराने, जिन्होंने तुर्की के बारे में रेवोल्यूशन किया था, और आज से पता नहीं आई थिंक इट्स अबाउट 70-80 years अगो। कमाल, और कोई नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने कमाल अतातुर्क का डाल दिया और साइन भी कर दी कमाल अतातुर्क के। जी बताइए कितनी कितनी बेहूदगी है एक्चुअली, कैसे उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, मतलब इट इज अनइमेजिनेबल। सर्विस कैनेडा ऑफिसर ब्लूबेरी फार्म, ब्लूबेरी फार्म का इन्होंने कहाँ से ले, कहाँ से लिया इन्होंने, नाम कहाँ से पकड़ लिया ब्लूबेरी, अब उसके बारे में देखते हैं। $18 पर आवर, ओवर टाइम, ये सब नकली है भाई। रिचमंड BC में वहाँ पर फार्म तो बहुत हैं, लेकिन ये फार्म अगर कोई नौकरी दे रहा नहीं दे रहा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। दे आओ ब्लूबेरी फार्म के बारे में भी कुछ देख लेते हैं क्या है, 1 सेकेंड में ब्लूबेरी फार्म में कौन है, मैं देखता हूँ जरा क्या है। जस्ट अ मिनट, होल्ड द लाइन, आई विल जस्ट ओपन अप ब्लूबेरी फार्म्स इन, ओके, या व्हाट इज ब्लूबेरी फार्म, ब्लूबेरी फार्म में कौन बैठा है, ये देखिए अगर मैंने इसको गूगल पे टाइप किया, रिचमंड जी BC में जो एड्रेस दिया है, ब्लूबेरी फार्म एक है यहाँ पर इस नाम का, लेकिन आप नीचे देखें कि ये ब्लूबेरी फार्म्स के नाम पर फ्रॉड कई सालों से चल रहा है। ये देखिए किसी ने वेबसाइट पे लिखा है कि 2018 में भी किसी को इस फार्म के अंडर एक नकली जॉब मिली है, नकली जॉब, आई डोंट बिलीव कि असली होगी, जॉब 2018 में भी किसी को मिली है, देख रहे हैं आप। जी जी मैं देख रहा हूँ सर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं अगर अगर पॉसिबल, ये देखिए ये canadavisa.com एक प्राइवेट कंपनी है, मेरी कंपनी नहीं है किसी और की है ये, वहां पर किसी ने पोस्ट किया है कि 2018 में भी किसी को इस लेटर पे मतलब इस एड्रेस के तहत मतलब किसी को जॉब मिली है, तो ये फ्रॉड बहुत सालों से चल रहा है, और हो सकता है कि जिसकी ये कंपनी है फार्म है उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम से कहाँ कहाँ तक वो जॉब लेटर इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये सब नकली है। और बाकी है तो आई नो इट्स इन समबडी मस्ट हैव चेक दिस ऑन 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 गूगल, सो बाकी बॉस ऐसा है ये सब नकली है। अब आप बताएं आप मेरे से क्या चाहते हैं, ये सब जो आपने जो भेजा है मेरे को ये सब ये नकली जी है, ये नकली है सर। नहीं तो वही तो सर मुझे ये 100% नकली है।
अब आप देख लें कि आपकी दोस्ती है जो अंजलि मैडम से, और जो आपका जो सो कॉल्ड दोस्त है जिसने वो ये सब इंट्रोड्यूस कराया है, उसको दोस्ती का वास्ता देके पूछें, भाई ये दोस्ती के लिए तुम क्या मेरे को ठगने जा रहे थे, क्या करने वाले थे, पैसे तो नहीं दिए कुछ? नहीं, सर अभी तो नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया मैं। वो बच मांग किया सर, नहीं मांग गया वो वो। मांग नहीं वो मांग किया था कि 10,000 ऑफर लेटर के बाद तुमको लगेगा, उसके बाद LMI के बाद 10,000 लगेंगे, उसके बाद वीजा आने के बाद फुल पैसा पेमेंट करना। 10,000, 10,000 या वोटे बढ़ जाए। सो उन्होंने कहा भाई कागज के बेस में कम से कम 20,000 तो कमाए, कम से कम कागज, एक नकली कागज बना दिया। जी सो जी जी अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बोगस एंड फॉल्स। बाकी जो मैं आपको पते की बात बता दूं, ये तो मैंने बता दिया आपको ये नकली है, चलो वो तो एक बात खत्म हो गई। लेकिन जी मैंने आज से पहले, आज एक 2008 में या 2009 में मैंने एक केस किया था कनाडा में, जी एक एक फ्रांस फ्रांस से एक फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस फ्रांस का गोरा आया था मेरे पास। वो मेरे से एक वर्क परमिट फाइल करना चाहता था, और मेरे पास मेरे से उसका एक LMIA, उसने LMIA करवाया, LMI भी किया मैंने और उसका वर्क परमिट भी किया। मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, जी उसकी जॉब थी, वही जॉब थी जो आपकी जॉब है, वो घोड़ों को वो करता था, मालिश करता था वो। जी हाँ, उसका नाम हमें, उसका मेरा एडमिंटन के पास ही वो फार्म है एक्चुअली, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और उसका जी NOC कोड मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने NOC कोड के बारे में रिसर्च करी तो उसका उसका जो ऑक्यूपेशन था, उसका डिस्क्रिप्शन था कि वो घोड़ों की मालिश करने के लिए, ये वो उसने मेरे को बताया, मेरे को खुद नहीं मालूम था ये। उसने कहा कि ये घोड़ों की मालिश करने का एक तरीका बहुत ही यूनिक होता है, और इसके लिए हर एक आदमी नहीं कर सकता, और जिस फार्म ने, जिस रैंच रैंच ओनर था वो गोरा था कोई बहुत, उसके पास थे कम से कम 50 घोड़े, तो उन्होंने उसको फ्रांस से देखकर बुलाया था, क्योंकि फ्रांस में उसकी वेबसाइट का दिया हुआ था कि वो करता है, तो उसको वहां से बुलाया था, और उसके लिए उसने LMIA किया। अब मेरे को भी लगा यार ये LMIA पास होगा, घोड़ा घोड़े का ये कैसे, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो लेकिन वो LMIA बहुत जल्दी पास हो गया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पास हो गया, और मैंने उसको फिर सर्विस कनाडा को फोन भी किया, उसने वाकई मेरे को कहा कि ऐसे इतने क्वालिफाइड घोड़े को मालिश करने वाले कनाडा में है ही नहीं है, तो मतलब उसका जॉब लग गया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एहतमाम के आप ये काम जो कर रहे हो, ये बहुत ही स्पेशल काम है, ये यूनिक काम है, इसको आप जी कंटिन्यू रखो, और आप अपनी जॉब तलाश करो, चाहे गूगल पे या किसी के थ्रू, जो भी आपके कनाडा में अगर कोई वाकफियत है उनसे बोलो कि मैं घोड़ों की मालिश करने का काम मैं जानता हूं, अगर आप जानते हो तो, और ये जी काम मैं करना चाहता हूं। मैं आपको 100% दावे साथ कहता हूं, गारंटी कभी वर्ड नहीं यूज करता मैं, दावे के साथ कहता हूं कि आपका LMIA भी पास होगा, और आपको वीजा ऑफिसर हंस के आपको वर्क परमिट देगा, और आप उसका जॉब करने जाओगे। उस समय जमाने में 2008 में ये इसकी तनख्वाह थी करीब $23 या $24 पर आवर, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छी तनख्वाह है, छोटी मोटी इनके मुकाबले में से बहुत सी तनख्वाह है, और उसको जॉब मिल गया था। इसलिए आप मैं देख लेता हूँ उसका NOC क्या है, अगर आप मेरे को कुछ टाइम दो थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा NOC क्या है, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मैं आपको बता देता हूँ, और आपकी नज़र आप उस पर रखो कि मेरे को यही काम करना है, ठीक है, और अगर ऐसी जॉब मिल जाती है आपको तो आपको सही रहेगा। कॉल हॉर्स ट्रेनर या मसाज ऐसा कुछ था, मैं देख लेता हूँ। आप अपना रेज्यूमे वगैरह रखो सारा, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो, और इस तरह की अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी बात बन सकती है भाई साहब। हॉस्ट केयर ट्रेनर, यह इट इज आई थिंक इट्स 8253, इट्स प्रॉब्ली NOC 825, मैं देख रहा हूँ उसको। आप मेरी जो बात कर रहे हैं ना, इसको आप नोट कर लेना, कागज़ पर लिख लेना, कभी जिंदगी में कभी काम आएगा आपको। इस कॉल जी 8252 भी है, जी 8252 नॉक कोड है, और आपका शायद 8253 भी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट 8253, आई थिंक द चेंज द 8253, 8252 है आपकी। इस कॉल हॉर्स, आप उस पे जा सकते हैं, हॉर्स ट्रेनर भी जा सकते हैं या असिस्टेंट या समथिंग जा सकते हैं। तो इनका काम होता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा घोड़सवारी कर रहे हैं, उनकी टेक केयर करनी है, हर्ट्स पर्सन, हर्ट्स इसको जो मतलब घोड़ों का जो एक वो होता है, एक लॉट है, उनको वो डील करते हैं सारे उनके। हाँ जी जी हाँ, उनको उनकी सारी देखभाल वो करते हैं, खाना चारा देते हैं, उनको मालिश करते हैं, दवाई दवाई सारा, मतलब सारा मेंटेन घोड़ों को वो करते हैं। और ये इसकी आपको जॉब,
और जो आपके पास एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, फोर इयर्स का सर। और सर जी मैं बता रहा हूँ कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, पर यह है कि जॉब आप जरूर ढूंढो, जॉब बैंक पे ढूंढो, गो टू जॉब बैंक इन टाइप ऑन गूगल जॉब बैंक, वहां से जॉब जॉब देखो, और एक कोई किसी प्रोफेशनल आदमी से, जहां आप दुबई में हो, दुबई में हो ना, सॉरी सऊदी, सॉरी कुवैत में हो सर। कुवैत, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, सो आप कुवैत में हो, किसी किसी प्रोफेशनल आदमी से, उसे इमिग्रेशन की बात नहीं करना, उससे कहना कि मेरा एक रेज्यूमे तैयार कर दे बस, जो बायोडाटा होता है ना, बायोडाटा, जो बायोडाटा वो तैयार कर दे, उसको बोलो कि मेरा बायोडाटा तैयार करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के जो बाहर का कोई गोरा आदमी देखेगा कनाडा में या यूरोप में कहीं देखेगा, तो उसको ऐसे लिखना है कि भाई आई एम द स्पेशलिस्ट इन हॉर्स, यू नो, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, मसाज, जो भी कुछ है सारा करो, और उसके बाद अपने जॉब अपना ढूंढना शुरू करो, और इंशाल्लाह जॉब आपको अच्छी मिलेगी, और मेरे को पूरा यकीन है कि आप अच्छी तनख्वाह पे जॉब लेके प्रॉपर तरीके से आप कनाडा आओगे। जी सर, और कोई मेरे लिए कोई हुक्म, कोई इजाजत लेने से पहले कुछ और कोई मेरे लिए? नहीं सर, यही हमको पूछना था सर, ये आपका ये मैं यूट्यूब में देखा कि ऐसा ऐसा आप हेल्प कर रहे हैं सर, इसीलिए हमको मालूम हुआ, फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया हमें। सर जी पहली बात तो आपका नाम ही इतना खूबसूरत है एहतमाम, मेरे को लगता है कि नाम भी बड़ा मेरे को अच्छा प्यारा लग रहा है उसको बोलने में, और दूसरी बात मेरे को खुशी है, अंदर दिल दिल से खुशी है कि आप जो काम कर रहे हो ना वो बहुत ही अच्छा स्पेशलाइज्ड और यूनिक काम कर रहे हो, क्योंकि कई लोग मेरे को कॉल करते हैं जी वो हम ये करते हैं कोई मेंटेनेंस या मशीन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मैकेनिकल वर्क, पर एक आपका काम जो है बहुत ही यूनिक है, और आपकी जगह कोई और आदमी ले भी नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को घोड़ा, मेरे अगर 50 घोड़े हैं तो मैं किसी को अनाड़ी को कह दूँ कि इस पे काम पे लग जाओ, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्पेशलाइज पीपल लाइक यू, और चौथी चीज़ है कि आप अगर आपको जॉब मिल गई तो आपकी PR भी पक्की है फिर, तो इसलिए इसलिए गलत गलत किसी किसी कंसल्टेंट को, अंजलि टाइप है किसी कंसल्टेंट को आप पैसे उसे दे के अपना काम मत फंसा लेना, या जो आज आपने काम किया है एटलीस्ट आपको, मेरे खुशी है कि आपको थोड़ी तसल्ली हो गई कि वहां से पैसे नहीं खर्च करने, ये जेन्युइन जॉब नहीं है, आप जी हमको आप सब बचा दिए पैसे से, पैसे भी है, कुछ दिन बाद देने वाले थे हम किसको, अच्छा उनको पैसे देने वाले थे आप, जी जी इसीलिए तो मैं पहले कॉन्टेक्ट किया सर आपसे कि क्या क्या राय दे रहे हैं। उर्दू उर्दू का वर्ड है ना एतमाद, एतमाद क्या उर्दू, मतलब कि किसी का भरोसा करना, जी उर्दू का वर्ड है, उर्दू समझते हैं एतमाद, जी जी हम समझ, कि किसी पे भरोसा करके आप किसी को पैसे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमें कोई सही चीज होगी, तो वो एतमाद नहीं था कि हमें कि भाई वो जो आपके दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि दोस्त हैं कि वो यू नो दे आर रियली फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं कि नहीं है, कौन है, दोस्ती के नाम पे ठगी बहुत होती है दुनिया में, क्योंकि दोस्त ही अच्छी तरह से ठग सकता है, जो दुश्मन है तो उसको ठगने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो पास नहीं आ पा रहा, सो ये बात है। चलिए और कोई अगर मेरे लिए कोई अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाजत लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है खुदा हाफिज़।